ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ರಾತ್ರಿ ಸುಡ್ತೆ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ರಾತ್ರಿ ಸುಡ್ತೆ ರಾಜ್ ಜಾರಿ ಏಕತಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ರಾಜ್ ಜಾರಿ ಏಕತಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಆ ಜಾರಾನೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಭಾಯಿಚಾರಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಪ್ರಶಾಸನ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ 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 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಮೇಯರ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ 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 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಎಂಸಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ 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 ಮೇಯರ್ ಮೀನಾ ಸರೋಜ್ ರೋಜಿ ಸ್ಲಿಂದ್ರ और कार्यकारिणी के सदस्य हमारे भाई सोनी और हमारे इकाई के प्रेस सचिव संजय बिडलान कर्मचारी साथी भाई और बहन आए हैं। मैं उनको भी आप पहुंचने पर तहे दिल का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आज इस विरोध प्रदर्शन में जो हमने आज तक उस रिमाइंडर की ओर प्रशासन ने अनदेखी की गई है और जो 26 अप्रैल 2021 को जो हमारा समझौता था अपनी मांगों को लेकर ये सीनियोरिटी के साथ से हम दरोगा लगाने के ऊपर से अपील आई है और जो भाई हम सीनियोरिटी के साथ से दरोगा लगाने चाहते हैं जो ऊपर से वो आई है और हमारा समान काम समान वेतन दिया जाए जो अभी हम भाई जो प्रशासन हमारी कार मांगों पर सुनवाई नहीं कर रहा। हम राम सिंह के अंबेडकर चौक पे या घंटा घर चौक और आगे क्या आगे हम सड़कों पे उतरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुलोचना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत लेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। समान वेतन के आधार पर समान वेतन देना और दूसरी मांग थी जो हमारी मुख्य मांग है वो है सीनियोरिटी के वरिष्ठ के आधार पर सफाई दरोगा लगाने की, क्योंकि हमने प्रशासन से कल भी हमारी बातचीत हुई है और कल भी हमने इनसे नोक झोंक हमारी बनी है। मीटिंग के अंदर नगर निगम के ईओ देवेंद्र नरवाल जी और ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह जी, इनके साथ हमारी बातचीत हुई है। कल बातचीत में हमारे से साफ बोला गया है भाई, हम हरियाणा सरकार की लेटर के अनुसार जो वरीयता जो प्राप्त हुई है भाई, चार दरोगा सिर्फ लगाए जाएंगे, बाकी सुपरवाइजर ऐसे ही लगे रहेंगे। इस पर हमने मीटिंग का बहिष्कार किया और बहिष्कार करके उठ के हम बाहर आ गए हैं। दूसरी बात, जब हमने उनको कहा है कि आप जो ये सुपरवाइजर ठेके प्रथा के दौरान सुपरवाइजर लगे हुए थे, आपने हमने उनको एक बात कही है कि हरियाणा सरकार का जो लेटर जारी हुआ था 24 मई 2018 के समझौते के बाद जो लेटर जारी हुआ है, उस लेटर के अंदर साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ था कि सफाई कर्मचारी सीवरमैन और फायरमैन के लिए ये लेटर है, उन्हीं के वही कर्मचारी अपनी कंडीशन पूरी करके पेरोल विभाग पर आएंगे, जिसमें सुपरवाइजरों का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और करनाल के एमपी संजय भाटिया जी ने जो उपायुक्त महोदय को इनकी सिफारिश की और यहाँ के सीएसआई ब्रांच ने मोटे पैसे खाकर इनकी भर्ती की गई है और इनको भर्ती करने के बावजूद हमारे को ये गुमराह किया गया है कि इन कर्मचारियों से एफिडेविट लिया गया है कि ये कर्मचारी सफाई का काम करेंगे, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एक मोटी रकम खाने के बाद सीएसआई ब्रांच ने इनको ज्यों का त्यों इनको सुपरवाइजर ही लगा दिया। हम कहना चाहते हैं, हमने जब प्रशासन से ये मांग की है कि किस पॉलिसी के तहत इनको सुपरवाइजरी से और सफाई कर्मचारी की कैटेगरी में लगाया है, इनका कोई लेटर, इनकी कोई पॉलिसी हमें दिखाइए ताकि हम भी इस चीज को देखें भी आपने सुपरवाइजरों को एक सफाई कर्मचारी के तौर पर लगाया है। निर्वाण बिनलान जी और इकाई के उप प्रधान विनय इकाई के सुमेर चंद जी, मैं हमारे इकाई के वरिष्ठ उप प्रधान